हेलो गाइस। तो गाइस फिर से आप सभी का इस नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज है पापा का बर्थडे का सेलिब्रेशन डे। दोस्तों आज है 8 अक्टूबर। तो गाइस अभी मैंने पापा का केक ऑर्डर कर दिया है ऑनलाइन। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, फ़ोन पे देखिए। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैंने केक ऑर्डर किया है और ये है ऑर्डर, आप देख सकते हैं। और अभी दोस्तों मेरा केक ऑर्डर आ जाएगा, और जो ऑर्डर किया है मैंने केक 6 मिनट में, 5 से 6 मिनट में आ जाएगा केक। उसके बाद हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी पापा सो रहे हैं पीछे। केक आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। मम्मी नहीं है तो ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाएंगे, क्योंकि तो मम्मी की कमी है अभी तो, लेकिन वो आएंगे तब दोबारा से केक कटेगा। हाँ दोस्तों हमने प्लान बनाया है, अगर मम्मी मम्मी जब आएंगी उसके बाद हम दोबारा केक काटेंगे। अभी मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी नहीं है ना, तो थोड़ा सा वैसा सैड सी फील्स लग रहा हूँ, अंदर से फीलिंग सैड सी आ रही है। क्योंकि मम्मी सब जब भी बर्थडे किसी का सेलिब्रेट होता है तो सब साथ में मनाते हैं, इस वजह से। तो दोस्तों अभी तो मम्मी है वहाँ पे यूपी कासगंज में डस्ट स्टोन की वजह से, और मैं यहाँ पे हूँ दिल्ली इस वजह से। दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं जब तक आता है केक, आप बने रहना ब्लॉग में, पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई देख सकते हैं ये आ चुका है केक, और जो अभी देखिए ये मैंने स्विगी से मंगाया है, जोमेटो का जोमेटो है की चलो नेफले। कोई बात नहीं, ये जुगाड़बाजी कर रखी है थोड़ी सी। स्विगी से मंगाया था, जोमेटो की टिप लगा रखी है, कोई बात नहीं, चलो होता है। और दोस्तों ये कैंडल थी, इसी के बारे में से थोड़ी बातचीत कर रहा था मैं, इसलिए देर होगी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पापा के पास। राजू उठाओ चलो। पापा उठ जाओ, केक आ गया। पापा पापा उठो, केक आ गया, खोल के दिखाऊं। देखिए दोस्तों पापा हो गए तैयार, अभी हम सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस अब हम केक खोलने जा रहे हैं, चलो प्राची प्राची नहीं प्राची और मैं खोलूंगा। तो भाई जगह चेंज हो गई है, अब खोलेगी साची, क्योंकि साची कह रही है मैं खोलूंगी। भैया तुमने ऑर्डर किया है तो मैं ऑर्डर, तब मैं अब मैं डब्बा खोलूंगी, दोनों मिलके खोलेंगे बर्थडे केक का डब्बा। चाकू से काट लो ना साइडों में से, ध्यान से काटियो प्राची। अरे यार रुक जाओ, रोन खुलेगा नहीं खुलेगा, फिर मैं खोल लूँ। यार प्राची चाकू लेके, असली वाला चाकू लेके। हाँ ये लकड़ी का चाकू है, लकड़ी का चाकू, इसलिए खुल नहीं रहा ये। लाओ 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 मैं। तुम्हें काटना नहीं आ रहा, कट तो जाएगा ही। खुल गया, खुल गया। हाँ। चलो अब मैं खोलूंगा। हाँ ये पापा कैसा लगा, पसंद पता है किसकी है, साची की और मेरी। आ, मेरी भी है। प्राची का तो दूसरा ही समझ में आया था, फ्रूट एंड नट मंगाना था, ये भी फ्रूट एंड नट है वैसे। ये अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। ये है केक, और ये दोनों ये दो जमूरे हैं, साची प्राची। कमूरे माचिस माचिस माचिस। बाबा तुम भूल गए थे, लेकिन हमें याद रहा केक के बारे में, बर्थडे के बारे में। पापा तो भूल गए थे हैं पापा। हाँ, पापा ने सब कुछ याद करके, पापा को परसों याद था, उसके बाद कल भूल गए एक। माची चला नहीं पाएगी ये, किसी भी हर बर्थडे में ऐसी करती, बेचारी माची चला ही नहीं पाती है। अबे तरीका गलत है, तुम्हें सिखाते हैं ना कैसे जलाते हैं। ठीक है जलाओ पापा।
हाँ देख पापा जलाएंगे कैसे जलाते हैं, ये देख जल गई। आज पापा कितने साल के हो गए? 56 साल के तो हो ही गए होंगे। अरे क्या बोल रहे हो, 50 साल के हो गए पापा। आए पापा बैठ तो पड़ गया था। तो पापा आज आप कितने साल के हो गए? 50। पक्का? पक्का। ज्यादा तो नहीं हो गए कहीं? बाबू 53 साल के तो नहीं हो गए? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बात लगता है फ्रेंडशिप हो गई पापा की साची। पापा के बेस्ट फ्रेंड है ना प्राची। हर बार हम हैंडशेक करके मिस करते हैं ना पापा। आओ गिन करते हैं। हाँ काटो। Happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you। अरे रुको रुको, पहले कान्हा जी को, पहले कान्हा जी को देना है। हाँ झूठा नहीं करना, पहले कान्हा जी को देना है। पापा पहले कान्हा जी को देने दो। हाँ पहले लड्डू गोपाल जी को, प्योर वेज है ये, क्या क्या बनवाया है। और गणेश जी को भी दे, गणेश जी का भी दे। एक गाना जी को, एक गणेश जी को दिया हो, ठीक है? अभी नहीं, बड़ी जल्दी है खाने की, बड़ी जल्दी खाने की। रखो एक गणेश जी के लिए, कान्हा जी के लिए। नहीं यार ये अच्छा लग रहा है तो, है ना? बस अब ये गणेश जी कान्हा जी को दे के आता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, गणेश जी कान्हा जी को दे दिया है केक। अरे 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 पूरा ही दे दिया। अरे पापा के केक नहीं लगाया, केक तो लगाओ थोड़ा थोड़ा। अरे वो पापा डर गए, पहले डर गए पापा। अरे लगा नहीं रहे पापा, तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं लगाएंगे, टेंशन मत लो। हमारे पापा के गाल अभी चिकने चिकने दिखाई दे रहे हैं ना, कभी जा रहे खराब हो जाएंगे। पंखा में पंखा बंद कर, तबीयत ठीक नहीं है ना, पंखा बंद करो। नहीं तबीयत ठीक नहीं है साची की। टेस्टी है, बटर स्कॉच केक है, बटर स्कॉच केक। ये मम्मी के हिस्से का खिलाया था अच्छी ने। अब मैं भी मम्मी के हिस्से का खिलाऊंगा, अभी रुको। ये लो बाबू मम्मी के हिस्से का, मम्मी के हिस्से का थोड़ा सा खिला दो। अरे थोड़ा सा लगवा लो, थोड़ा सा लगवा लो। मैं लेटाऊंगा। अरे थोड़ा सा, थोड़ा सा। तुम भी खा लो। लो आए तुम तो खिलाओ, तुमने तुमने खा लिया नहीं। अरे तुम लो, अभी तुम सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए मैंने नहीं खिलाया अभी। चलो मेरी बारी आ गई, रिकॉर्ड करो मेरे को भी। घर में सबसे बड़े हैं, सबसे लास्ट में केक खिलाएंगे। हम सब छोटों ने पहले खिला लिया ना। ओ, ये चॉकलेट वाली है, मैं लगा पेपर है। चॉकलेट है, मुझे लगा पेपर है। ये तो चॉकलेट है, चॉकलेट ले रहा है, मुझे पता। चॉकलेट ले रही है। हाँ। पापा को ये नहीं खिलाना, नाम मत खिलाना। इधर रख देते हैं।
पापा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पापा। पापा केक कैसा लगा आपको? केक कैसा लगा? अच्छा है। कैसी है ना? कैरमल फ्लेवर का। कैरमल फ्लेवर है और नहीं, ये है बटर स्कॉच केक। बटर स्कॉच है? हाँ, ये बटर स्कॉच है जो मैंने मंगाया है। तो यही से मंगाया था, सबसे अपने बजट में आ गया और बढ़िया आया है। केक तो मजा आ गया क्योंकि हम पिज्जा जाने ज्यादा बड़ा केक करने का फायदा है नहीं, वेस्ट जाता सारा, इसलिए हमने ये वाला इतना छोटा अपना अपना मतलब कॉम्पैक्ट अपना मीडियम साइज का मंगाया है आधा किलो का। तो दोस्तों इसी साथ से इसी के साथ हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप भी खा लोगे? हाँ आप भी खा लो। थोड़ी देर हो गई दोस्तों। गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग हमारा सेलिब्रेशन, पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग, आपको अच्छा लगा तो प्लीज पापा बोलो एक लाइक। बोलो पापा एक लाइक जरूर कर दो। एक लाइक दे दो। पापा बोलो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे पापा ने बोला दोस्तों, तो एक लाइक कमेंट शेयर तो कर ही देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।